सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। चलो आज चलते हैं अपन, एग्रोनॉमी का भाग है, इसमें से आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कृषि पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की भर्ती में बिना संकोच के लाइव, या फिर आप वीडियो पे देख रहे हो तो जुड़ जाइए। कुछ गलतियां रहे तो देख लेना खुद भी, क्योंकि मैं निशुल्क क्लास ले रहा हूँ तो आप, और मेरा मकसद केवल उन गरीब बच्चों तक पहुँचाना है जो अपनी पैसों से कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इस पर ही चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन, अनाज वाली फसलें, सीरियल्स क्रॉप, इसमें पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खाने योग्य अर्थात खाद्यान्न में नंबर वन क्रॉप है चावल, यानी कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा खानी जाने वाली फसल कौन सी है, ये चावल है जो आप देख रहे हो। इसको इसका वानस्पतिक नाम ओराइजा सेटाइवा, इसका कुल है पोएशी। इसका क्रोमोजोम नंबर भी आपको बता देता हूँ सही इसमें है या नहीं, आपसे नहीं पूछने वाला, छोड़ो। इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, जो क्योंकि सुपरवाइजर का लेवल है 12th बेस एग्जाम, तो आप यहाँ पे वो चीज़ जो MSc स्टूडेंट्स या कोई सीनियर्स अगर वीडियो को देखता है तो इस मतलब इस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि ये जो मैं मेरा उद्देश्य है केवल 12th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन आने वाला है सुपरवाइजर के अंदर। हाँ कुछ परसेंट आता है, लेकिन मैं अभी इसका बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट में तो कि इसका बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नेम क्या है, तो ये है ओराइजा और सेटाइवा, ये याद रखना। और इसका कुल पूछे तो पोएसी कुल है। चावल के अंदर 7-6% यानी कि 7-8% तक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 7-8% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि गेहूं में 12% तक प्रोटीन पाई जाती है, यह ध्यान रखना है। गेहूं की अपेक्षा धान में कम प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। धान भारत की खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 77-79%। धान के पुलाव का उपयोग कांच एवं टूटने वाले सामान पैकिंग में किया जाता है, चलो इसको छोड़ दो। पुराने टाइम से धान की खेती हो रही है, इसके बारे में भी आपको पता है। धान की उत्पत्ति के स्थान में बारे में भी विभिन्न विभिन्न मत हैं, तो कोई चीन बताता तो कोई भारत बताया, कोई दक्षिण पूर्वी एशिया मानते हैं, जबकि इसका ओरिजिन है जो दक्षिण पूर्वी एशिया, ही आपको ऑप्शन में टिक करना है। अगर दक्षिण पूर्वी एशिया आता है तो वहाँ पर ये टिक मार्क करना है। राजस्थान में धान की खेती मुख्यतः कोटा में की जाती है, उदयपुर खंड एवं श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में की जाती है, ये नोट कर लेना आप। राजस्थान में धान की खेती निम्न में से किस जिले में या कौन से स्थान पर की जाती है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा, यहाँ पे बूंदी भी आ सकता है, ध्यान रखना बूंदी भी आता है तो वो भी आंसर सही रहेगा आपका। अब इसकी जलवायु की बात करते हैं अपन, तो जलवायु कैसी इसको चाहिए। धान की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसको अंडरलाइन कर लो। धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, धान की
फसल के लिए उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है और कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। धान की फसल के लिए 100 से सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में से लेकर यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड ध्यान रख लेना। धान की अच्छी पैदावार के लिए न्यूनतम या कितने तापमान की आवश्यकता रहती है। बढ़वार के लिए वो पूछता है तो 25 से 30 सेंटीग्रेड और पकने के समय यानी कि पकते समय 25 से 30 यानी कि दोनों ही समय इनका सेम टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धान की फसल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब अनुकूल टेम्परेचर कौन सा है, 25 से 30 सेंटीग्रेड। अब आती है साबिस की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन सी मृदा में धान की खेती अच्छी की जा सकती है। तो मृदा धान की खेती के लिए अच्छी उर्वरकता वाली समतल अच्छे जलधारण वाली यानी कि जिसकी जलधारण क्षमता ज़्यादा हो मतलब उसके अंदर पानी बहुत समय तक भरा रहे यानी कि पानी ऊपर तैरता हुआ नजर रहे, मतलब अपन जहाँ भी देखते हैं धान के खेतों में पानी ऊपर भरा रहना चाहिए। मटियार चिकनी मटियार दोमट मृदाएं उपयुक्त मानी जाती है। धान के लिए खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, अगर स्टेटमेंट देता है कि उच्च जल धारण क्षमता वाली मिट्टियाँ, दूसरा में आता है चिकनी मटियार मिट्टी व दोमट मिट्टियाँ उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक, ये नोट कर लो, काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सी, काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। खेती की तैयारी फील्ड प्रिपरेशन, धान की फसल के लिए खेत की तैयारी प्रायः दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से धान की खेती की जाती है, दो प्रकार से की जाती है। खेत में सीधी बुआई के लिए यानी कि डायरेक्ट अपन बीज को खेत में लगाते हैं, एक तरीका कौन सा है, डायरेक्ट आजकल हाइब्रिड सीड आ गया तो उसको डायरेक्ट खेत में बीज को लगाते हैं। वैसे रोपाई दूसरा मेथड है रोपाई का, तो इसमें क्या करते हैं धान की फसल के लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दो तीन बार हैरो कल्टीवेटर या देसी हल से करें, बुआई के 15 दिन पूर्व सिंचाई कर दे ताकि सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद खरपतवार उग जावे, 2-3 बार हैरो चलाकर पाटा लगाकर समतल कर लें। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रोपाई यहाँ याद रखना है। इस प्रकार की खेती यानी कि जब अपन क्या करते हैं एक छोटी क्यारी में पहले बीज लगा देते हैं, बीज अपन मई के लास्ट सप्ताह में या मई के प्रथम वीक और जून तक अपनी मतलब जो पौध हैं वो तैयार कर लेते हैं अपने, जैसे कोटा रीजन हो गया गंगानगर हो गया, तो इनमें क्या करते हैं 15 मई से और 15 जून तक अपन इसकी बीज सैया जिसे अपन कहते हैं धान की क्यारी, वो जो उसकी बीज को लेकर उसमें एक तिहाई भाग जो कितना चाहिए आगे बताएंगे, उसमें अपन ये बीज तैयार करके छोटे पौधे तैयार करते हैं, फिर उन पौधों को खेत में लगाते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई, मतलब ट्रांसप्लांटिंग विधि भी बोल सकते हो आप रोपाई द्वारा। इस प्रकार की खेती उन्हें की जाती है जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा होती है यानी कि जब जून के महीने में बारिश होती नहीं है या फिर मई में बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे क्या करते हैं जिस किसान के पास पानी का साधन होता है तो बीज का जिसे अपन छोटे पौधे तैयार कर लेता है उसके पास पानी होता है, तो खेत में 20 से 25 टन गली सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टर यानी कि धान की खेती के लिए 20 से 25 टन गोबर की खाद की आवश्यकता होती है, बिखेर कर अच्छी जुताई कर भूमि में मिला दें। उन्नतशील वैरायटी यानी कि धान के लिए मुख्य वैरायटियां कौन कौन सी है, इम्प्रूव वैरायटी राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रचलित विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त उन्नत किस्में उनकी विशेषताएं निम्न प्रकार है, तो आप नोट कर लेना अपने पेन कॉपी से। रोपाई यानी कि डायरेक्ट नहीं है, ध्यान रख लेना ये क्या है सीधी बुआई के लिए नहीं है, रोपाई है तो उपयुक्त वैरायटी कौन कौन सी है यहाँ पे आपको नोट करने की चीज़ है, इनकी सीधी बुआई नहीं कर सकते अपन, क्या करेंगे इनका पहले अपन को बीज तैयार करना पड़ेगा, जैसे रत्ना जया
BK79 कस्तूरी IET 85-80 बासमती 370 कावेरी बासमती माई सुगंधा चंबल। क्वेश्चन जब क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। अगर पूछता है कि रोपाई है तो धान की उन्नत किस्म कौन सी है, यानी उनमें से जैसे रत्ना जया किसमें किस प्रकार की विधि में काम लेते हैं, तो आपको रोपाई वाली विधि में लिखना है। अभी डायरेक्ट सोइंग यानी कि इसमें डायरेक्ट अपन बीज खेत में डालते हैं। सीधी बुआई के लिए है बाला, पूषा 2 और 2 21, ये 2 किस्में याद रख लेना आपको। सीधी बुआई के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि इनको इसकी छोटी जो पौधे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी बुआई में क्या करते हैं, डायरेक्ट चावल को खेत में लगा देते हैं। अन्य किस्में पूषा 33 है, पूषा 44 है, गोविंदे संकेत 4 है, IR 20 है, पूषा सुगंध 2 3 4 5। तो ये है सीधी बुआई के लिए ही है। अब आ जाओ हाइब्रिड संकर। संकर क्या होता है, पंत संकर दान, ये वेराइटी याद रख लें HIRI 120। इसका डायरेक्ट हो सकता है HRI डायरेक्ट 120 HRI 120। ये कौन सी किस्म है, हाइब्रिड यानी कि संकर हाइब्रिड है। पूसा राइस हाइब्रिड 10 PRH 10 पूसा नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है, ये ध्यान रखना। सीड रेट यहाँ से क्वेश्चन फुटअप हो सकता है डायरेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है। धान की फसल के लिए बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है, यानी कि अपन डायरेक्ट स्वयं करें या डायरेक्ट बीज की बुआई करें तो अलग सीड रेट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम रोपाई करते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अपन को अलग आवश्यकता पड़ेगी। सीधी बुआई के लिए 80 से 100 kg कोचिंग वाले आपको 50 बताते हैं, 100 बताते हैं, कहीं से भी अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अपन पेपर दे रहे हैं राजस्थान का और ये राजस्थान की खेती के ऊपर पूरी बुक्स है, तो आपको किसी भी बुक्स का कोई डेटा फिगर याद नहीं करना। इसके अलावा कल कोई रिट भी लगाता है क्वेश्चन में तो अपने पास चांस रहता है कि ये एग्रीकल्चर की 12th जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें 80 से 100 kg लिखा हुआ है, तो यही मतलब राइट माना जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सीधी बुआई के लिए मतलब 80 से 100 kg बीज प्रति हेक्टर, हेक्टर का मतलब 4.25 बीघा भी होता है, कहीं कहीं 5 बीघे का भी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बीघा कितने मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है, और बीघा डिपेंड करता है वहाँ की उस ग्राम पंचायत की जरीब, जो पटवार सर्किल है उसमें जरीब, जैसे 32 का जरीब है, 62 का जरीब है, 85 का, मतलब अलग अलग यूनिट की जरीब आती है, उनसे उनको मापा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको तो हेक्टर के बारे में थोड़ी मैंने बता दिया। रोपाई विधि से बुआई के लिए डायरेक्ट नहीं करके पहले बीज से या तैयार करते हैं, क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे बीज तैयार करते हैं, मतलब पौधे तैयार करते हैं। अपन ने देखे होंगे इधर बूंदी में देखे होंगे, कोटा में देखे होंगे, किसान क्या करते हैं गर्मी के टाइम पर एक छोटा टुकड़ा में अलग से ही जैसे धान का बीज लाता है चावल का और उसको लगा देता है, और उसको 2 महीने पहले या मतलब 15 दिन पहले, सॉरी महीने 15 दिन के बीच का गैप में, जैसे 15-20 जून से बुआई करनी है तो वो उसके कम्प्लीट उस टाइम पर वो पौधे 10 से 10-12 सेंटीमीटर के हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन रोपाई यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं, कितना बीज लेते हैं 40 से 50 kg। ट्रांसप्लांटिंग का नाम या रोपाई विधि का नाम आ जाए तो आपको क्या रखना है 40 से 50 सेंटीमीटर। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट, थोते मतलब होते हैं वो बीज जिनके अंदर उनका जो एम्ब्रियो होता है वो सीड वो डेड हो जाता है यानी कि मर जाता है, वो अंकुरित नहीं होता बाद में, तो थोते उन बीजों को बोलते हैं, ठीक है। बीजों को निकालने के लिए बीजों में 2% यानी कि जो अन मतलब यूँ कहूँ कि सीधी भाषा में जो बीज अनुपयोगी है जिनके अंदर
जीवन नहीं है, अनुपयोगी है, उनको निकालने के लिए 2% नमक का घोल, कितना 2% नमक का घोल डालकर अच्छी प्रकार से हिलाएं। ऊपर तैरते हुए हल्के बीजों को निकाल देना चाहिए। पेंदे पर बचे बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाएं। धान में जीवाणु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, धान में जीवाणु अंगमारी के बचाव वस्तु 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंदी नाशक। धान में जीवाणु अंगमारी से बचाव हेतु 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंद नाशक, 2% कार्बन डाइजेम 2.5 ग्राम तथा 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 75 लीटर पानी में घोल बनाकर 45 लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों को, मतलब ये 45 लीटर है ना जो ये ध्यान रखना है 100 kg सीड के लिए, कितना 100 kg यहाँ याद रख लेना। तो फिर आपके पास कितना सीड है उसके हिसाब से आपको पानी मिलाना है, क्योंकि आरपीए वो जो अग्निहोत्री सेवा चयन बोर्ड है ना वो इस क्वेश्चन को आपसे 50% में पूछ लेगा। आधे हेक्टर मतलब 0.5 हेक्टर के लिए जीवाणु अंगमारी रोग से बचाव है तो घुलनशील पादप फफूंद नाशक कार्बन डाइऑक्साइड में पानी की मात्रा या फिर इसकी मात्रा कितनी डालनी है, तो ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। और कितने टाइम पर भिगोना, 12 घंटे तक भिगो कर रखें। अंकुरण क्षमता बढ़ाने तथा पौधों की बढ़वार तेज करने तो 1% सोडियम हाइपोक्लाइराइड के घोल, हाइपोक्लाइराइड क्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे भिगोकर इस तरह बीज उपचार करें, बीज जीवावरण पर लगी बीमारियों की रोकथाम होती है, ठीक है। बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग बुआई का समय है धान की बुआई रोपाई, यानी कि एक तो डायरेक्ट सीधी बुआई एक रोपाई, मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देना चाहिए। अब राजस्थान में कभी 10 जुलाई को बारिश होती है, कभी 20 जून के बाद स्टार्ट हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है मानसून के ऊपर कब। लेकिन बुआई रोपाई 15 जुलाई तक की जा सकती है, ये तो अंतिम स्टेज है। क्या है? अंतिम स्टेज है। 20 जुलाई तक भी करते हैं लोग, कभी कभी लेट बारिश होती है, तो आपके आंसर में आपको 15 जून से 15 जुलाई रखना है, ठीक है। बुआई की विधियाँ, मेथड ऑफ सोइंग, धान की बुआई दो प्रकार से खेती, खेत में सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई की दो प्रकार से की जाती है, एक तो पंक्ति में एक छिड़का विधि। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है, एक तो पंक्ति में जो सीड ड्रिल द्वारा कर सकते हैं, एक छिड़का विधि डायरेक्ट अपन छिड़क कर जैसे यूरिया खाद को छिड़कते हैं वैसे ही मतलब जो चावल का सीड होता है बीज होता है उसको छिड़क कर अपन बुआई कर सकते हैं। जैसे पंक्ति वाले के बारे में बता रहा है, देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार में करनी चाहिए, यानी कि कतार से कतार यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कितना। पंक्ति, जैसे पंक्ति को इंग्लिश में आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर लाइन, रो टू रो, यानी कि रो टू रो, तो ये देखना है इसके बीच का। अगर वो पूछता है पंक्ति से पंक्ति, हिंदी में लिखता है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर, क्या रखनी है, 20 सेंटीमीटर कितनी रखती है, सीधी बुआई करते हैं सीड ड्रिल से और तो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी रखनी है, 20 सेंटीमीटर। ले युक्त खेत में सीधी बुआई, यानी कि ले पडलिंग, जो पडल सोयल होती है जिसे अपन पहले पाटा लगाकर उसको अच्छा गोल बनाकर उसको जब अपन तैयार करके फिर उसमें 100 किलोग्राम सीड डायरेक्ट अपन सीधे छिड़क कर भी बो सकते हैं, और उसके लिए सीधी बुआई के लिए कितना सीड चाहिए, 100 kg, ये याद रखना। रोपाई ट्रांसप्लांटिंग, ये इस विधि में लेयुक्त मृदाओं में नर्सरी में पौधे तैयार करके रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए कतार से कतार सेम दूरी रहेगी, 20 की लाइन से लाइन कितनी तथा पौधे से पौधे की दूरी। तो आंसर में आपको ऐसे पूछता है कि इसको प्लांट ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, प्लांट की जो मतलब उसका दूरी और प्लांट से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, यानी कि ऐसे लिखते हैं
सॉरी आर इंटू पी, ये हो गया आर इंटू पी। आर का मतलब रो, पी को मतलब प्लांट यानी कि पौधा। तो ये लिखते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर यानी कि पौधों का हिसाब ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए खेत में, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए 20, और पौधे से पौधे के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। इसको प्लांट ज्योमेट्री बोलते हैं, जो कि एक एग्रोनॉमिक वर्ड है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। एक स्थान पर 2 या 3 पौधे रोपने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी धान में फुटान नहीं होता है, सिंगल सीड होता है वो फुटान नहीं करता, तो वहाँ पर क्या करते हैं 2 या 3 पौधों का रोपाई एक साथ करनी चाहिए। कितनी 2 या 3 कितने पौधों की रोपाई करनी चाहिए एक साथ में 3 या 2, ये ध्यान रखना। रोपाई विधि में धान की रोपाई विधि द्वारा एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं ये याद रखना, या एक स्थान पर कितने पौधे लगाए जाते हैं, तो 2 या 3 आंसर में होना चाहिए। ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर से रोपाई करना अच्छा रहता है। ये ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर क्या होता है इसको याद रखना। धान की रोपाई के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का काम लिया जाता है, निम्न में से धान को रोपाई की विधि में किस यंत्र को काम में लिया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर, इसको क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर। किस फसल से संबंध है, तो ये है राइस यानी कि चावल से संबंधित। नर्सरी की तैयारी करने की विधियाँ, नर्सरी पौधे तैयार करने के लिए सामान्य 3 विधियाँ हैं। नर्सरी कितनी विधियाँ हैं 3 विधियाँ, यानी कि नर्सरी वही हो गई ना जैसे अपन प्याज लगाते हैं, पहले प्याज के सीड को लगाते हैं, छोटी क्यारी में लगाते हैं, उसको ढकते हैं, उसमें पानी भी देते हैं, उसके अंदर अच्छा खाद डालते हैं, मतलब जो अपना अगर अपने पास वर्मी कंपोस्ट है या फिर जैसे काऊ डंग का या मतलब जो देसी खाद होता है उसको डालकर अपन उसमें बीज लगाते हैं। ये हो गया सब गीली क्यारी विधि। इसको क्या पष्ट विधि कौन सी है, गिल्ली क्यारी विधि। इस विधि में खेत में पानी भरकर पटलर की सहायता से 2 से 3 जुताई की जाती है, जिसमें मृदा लेयुक्त हो जाती है यानी कि वो एक घुलनशील जैसे अच्छी चिकनी मिट्टी हो जाती है और उसके अंदर पानी मतलब रोकने की क्षमता आ जाती है। 1-2 दिन बाद नर्सरी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में काट कर क्यारियाँ बनाई जाती है। 1 हेक्टर क्षेत्रफल की बुआई, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके सुपरवाइजर में, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है सुपरवाइजर के पेपर में, और लिख लेना बाद में वीडियो को देखकर पेपर होने के बाद में। पेपर होने के बाद में जिस दिन आप देखोगे 1 हेक्टर क्षेत्रफल धान की बुआई, तो 8 × 1.25 मीटर आकार की कितनी क्यारियों की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट ऐसा आएगा 1 हेक्टर में धान की रोपाई के लिए कितनी क्यारियों की आवश्यकता होती है, तो 50 क्यारियाँ चाहिए उनको, कितनी 8 मीटर लंबी और 1.25 मीटर कितने चौड़ी, यानी कि ये इधर देखता हूँ ये हो गई सब इतनी चौड़ी और इतनी लंबी, अरे सर मतलब उसकी लंबाई तो 8 मीटर होगी और चौड़ाई 1.5 में, ऐसी कितनी 50 चाहिए, कितनी 50 छोटी छोटी क्यारियाँ उनको चाहिए, कितने 1 हेक्टर के लिए, 1 हेक्टर के लिए कितनी चाहिए 50 क्यारियाँ चाहिए। अधिनिश्चित मतलब वो जो बोर्ड पूछ रहा है क्वेश्चन पूछने वाला है, 1 हेक्टर की धान की रोपाई है तो कितनी क्यारियों की नर्सरी है तो कितनी क्यारियों की आवश्यकता होगी, तो 50 सीधा ही आंसर ही होगा 50, या फिर वो आकार दे देगा एक इतने हेक्टर की मतलब 8 × 1.25 मीटर की कितनी क्यारियाँ, तो 50। इसमें उर्वरक प्रबंधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उर्वरक प्रबंधन के लिए 250 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP, क्या होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट को SSP बोलते हैं शॉर्टकट में SSP, और ये सबसे सल्फर का अच्छा स्रोत है। तो इसमें क्या करते हैं 250 ग्राम तो यूरिया डालते हैं एक क्यारी के अंदर, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं, प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से देना चाहिए। अब इसको वर्ग मीटर में डिवाइड कर दिया इस कंटेंट को इसने, तो ये ध्यान रखना है
कि दो ए, अगर 10 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल आ रहा है ना, कितनी क्यारियाँ होती है इसके अंदर, तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है कितनी इनको, और उसमें भाग दे देना है कितना 8 पॉइंट इतना कि उसमें कितना मीटर होता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना इसको। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं। क्या? इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं जिन बीजों को साफ पानी में 24 घंटे भिगोते हैं। यानी कि ये जो विधि है गीली क्यारी विधि, इसमें क्या करते हैं अपन, पहले जो सीड लेते हैं बीज, उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखते हैं। क्या करते हैं? 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखते हैं और 24 घंटे बाद बीजों को निकाल कर पर्स पर एकत्रित बोरी या कपड़े में ढक देते हैं। क्या करते हैं? 24 घंटे, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया इस पेज में से। 24 घंटे के बीजों को निकाल कर पर्स पर एकत्रित बोरी या कपड़े से ढक देते हैं ताकि बीज गर्मी पाकर जल्दी अंकुरित हो जाए। यानी कि उनको मिट्टी के बाहर ही उनका अंकुरित होने के लिए रख दिया जाता है। क्या? पहले तो उसमें पानी में भिगो दिया जाता है, फिर उसको कपड़े में डाल के रख देते हैं ताकि वो अंकुरित हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे अपन चना भिगोते हैं, फिर उसको पानी में निकालने के बाद अगर थोड़ी देर छोड़ दोगे आप तो वो उगने लगता है। तो वही है कि मिट्टी में जाने से पहले ही वो उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होता है, इसका तो आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि वो वहाँ जाते ही तुरंत अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, यानी कि बढ़वार जल्दी करेगा, उसमें फ्लावरिंग का टाइम भी जल्दी आएगा, सब मतलब एक पहले ही से एडवांस उसको कुछ मिलेगा, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। हिंदी में थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा ऐसे वर्ड है जो वो मतलब जल्दी अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित बीजों को ले किए गए मिट्टी के ऊपर समान रूप से छिड़क कर बोना चाहिए। 20 से 30 दिन पश्चात पौधे की रोपाई तैयार हो जाती है। कौन सी विधि? गीली क्यारी विधि में कितने दिनों के बाद रोपाई योग्य पौध तैयार हो जाते हैं? तो 20 से 30 दिन के बाद में रोपाई हेतु पौध तैयार हो जाते हैं। गीली क्यारी विधि में कितने दिनों बाद रोपाई हेतु पौध तैयार हो जाते हैं? तो 20 से 30 दिन बाद। विधि में बीज की मात्रा पतली मोटी किस्म के आधार पर 750 ग्राम से 1 किलो तक रखते हैं। यानी कि एक क्यारी के अंदर कितना, आप तो 1 केजी कर लो। ये डिपेंड करता है बीज की मात्रा पतली मोटी किस्म, यानी कि किसका सीड कितना मोटा है, ये डिपेंड करता है बीज के ऊपर। तो एक क्यारी में कितना, एक से मतलब 750 से 1 केजी तक प्रति क्यारी रखी जाती है। ये नर्सरी की सीड रेट है, ना कि हेक्टर की, ये याद रख लेना। ये नर्सरी में जब अपन बीज बो रहे थे ना इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे नर्सरी में जो एक क्यारी थी ना, ये इसके अंदर इतना बीज चाहिए था, कितना, 750 से 1 किलोग्राम। एक क्यारी के अंदर 750 से 1 किलोग्राम तक एक क्यारी में सीड सोइंग करते हैं। शुष्क क्यारी विधि, इसमें 2 से 3 जुताई करके, ये होता है ड्राई यानी कि सूखी, वो थी तो गीली, यानी कि उसके अंदर पहले पानी भर के उस जो खेत होता है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है और उसके अंदर अपन नर्सरी तैयार करते हैं। और यह होता है सूखी यानी कि ड्राई, इसमें 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है। क्यारियाँ गीली क्यारियाँ की विधि क्या आकार पर बनाई जाती है। यहाँ पे लिखा है कि जो मैंने पहले बताई है गीली क्यारी के अनुसार ही वो उसकी वो बीज से सीड बीज से या तैयार करता है। बीज से या को मतलब वो क्यारी, तो उसी अनुसार बनानी है। जैसे यहाँ पे उसने आकार बताया था ना, कितना आकार है ये आकार, ये 8 × 1.25 मीटर की 50 क्यारियाँ, सेम इसी में भी वही रहेगी, मतलब इसमें चेंज नहीं होगी, वो बनाई जाती है। क्यारी की ऊंचाई जमीन से ऊपर रखनी चाहिए, इसका कारण है कि उसमें पानी नहीं भरे, अनावश्यक पानी भरकर नालियों से 30 सेंटीमीटर से बाहर निकाल सके। क्यारियाँ बनाने के बाद बीज को 10 सेंटीमीटर दूर पर कतार में बोना चाहिए, वो तो आ गया। बरसात होने के दौरान 1-2 दिन के अंतराल हल्की सिंचाई नहीं हो तो, यानी कि जून में अगर आप ये लगा रहे हो, अगर बारिश नहीं है तो फिर आपको पानी से ही बीज से या तैयार करने पौधों के बीज से, इसमें तो
कितने 25 से 30 दिन लग रहे हैं। शुष्क क्यारी में कितना टाइम लग रहा है? 25 से 30 दिन। और इसमें कितना लग रहा है? 20 से 30 दिन। यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उधर पहले ही अंकुरित वो जो सी बीज है ना, पहले ही अंकुरित हो जाता है उसमें टॉवल जो अपन रखते हैं 24 घंटे भिगो कर। इसमें भिगोने की ये नहीं बोल रहा, इसमें डायरेक्ट अपन सीड को उस क्यारी में लगाते हैं, पहले नहीं भिगोते हैं, तो ये ध्यान रखना अपना। तो यहाँ पे इसमें जो पौध तैयार होने में समय थोड़ा 2-3 दिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 24 घंटे अपने उधर भिगोए थे, तो यहाँ पर भिगोने की ये बात नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे अपने को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर कर देना। डेपोक, ये विधि AO AA इनके एग्जाम में पूछी जाती है, सुपरवाइजर में पूछ सकते हैं। ये विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, डेपोक विधि, ये विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि मनीला IRI इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट, इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस द्वारा अनुमोदित की गई है। यानी कि ये कहाँ द्वारा, डेपोक विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था? फिलीपींस, यह याद रखना। डेपोक विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था? फिलीपींस। चावल की डेपोक विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था? फिलीपींस में, ये याद। इस विधि में 1 हेक्टर के लिए पौधे तैयार करने हेतु 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। कितने की? डेपोक विधि का आविष्कार तो फिलीपींस में हुआ, उसके बाद इसमें केवल और केवल कितना वर्ग मीटर चाहिए? 25 से 30 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, क्या लिख रखा है? इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ना कि जमीन की। केवल इतना अपनों को चाहिए, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। आवश्यकता होती है 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। कितना? 3 ग्राम अंकुरित बीजों की लगभग 3 ग्राम। कितना? 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में कितना बीज? 3 ग्राम। अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत की पॉलीथीन की चादर, यानी कि लगभग कितनी? 1 सेंटीमीटर की परत पॉलीथीन चादर, केले के पत्तों, जूट के बोर अथवा सीमेंट के पर्स पर बिछा कर उन पर प्रतिदिन पानी डालते रहते हैं। देखा, यह कहना क्या चाह रहा है कि चावल भिगो कर रखते हैं, उसके ऊपर कपड़ा या फिर केले के चादर, पत्ते, जूट, बोरा, सीमेंट आदि का पर्स भिगो कर रखते हैं, और उस पर ही कितना चावल? 3 ग्राम चावल प्रति वर्ग मीटर में डालते हैं और उनको भिगोते रहते हैं, तो वही वहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं। मतलब अपन चावल वहाँ पर बिखेर देते हैं और इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन पर चावल डालकर उनको भिगोते रहते हैं, तो चावल वहीं पे अंकुरित हो जाते हैं और लगातार 2-3 दिन के अंदर में उसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। इस विधि में 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाते हैं। देखो, यानी कि ये बिना किसी मिट्टी के कितने दिन में? 11 से। सबसे जल्दी पौध तैयार किस विधि में होता है? तो ये डेपोक विधि है। यहाँ बिना मृदा यानी कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अपन को कोई सा भी कमरे की जगह या अपने आसपास कोई खाली जगह है, वहाँ पे ये इसका बिस्तर बिछा दो, ये बिस्तर है सारे, इनके बिस्तर पर चावल डाल दो और उसके ऊपर उसको फिर ढक दो और उस पर प्रतिदिन पानी दे दो, और 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 11 से 13 दिन में। पौधों के तैयार होने के लिए किसी भी उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे तैयार होने के बाद छोटे छोटे पौधों की सावधानी पूर्वक अलग कर लिया जाता है। चलो ठीक है। नर्सरी में पौध संरक्षण, नर्सरी का मतलब हो गया अपनी वही जो अपन जिस क्यारी की बात कर रहे थे जहाँ पौधे उगाए जा रहे थे। अभी तक अपन ने खेत की बात नहीं की, नर्सरी की बात कर रहे थे जहाँ छोटे पौधे उगाए जाते हैं, जैसे अपन प्याज के छोटे पौधे अधिकतम वही देखते हैं लोग जहाँ राइस नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे
पहले एक छोटे हिस्से में अपन पौध तैयार करते हैं, उसे नर्सरी कहा जाता है। खाद व उर्वरक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, धान की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होने वाला है सोयल साइंस का यहाँ से, प्रति हेक्टर 80 से 120 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। इनकी एन पी और ये के एनपीके की मात्रा तो ये याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन वीडियो बाद में भी देख लेना पेपर होने के बाद में। धान में प्रति हेक्टर फास्फोरस की मात्रा पूछ सकता है, डायरेक्ट तीनों की मात्रा पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। फास्फोरस की तो होती है 30 से 40 किलो, सॉरी पोटाश की 30 से 40 किलो और फास्फोरस होता है 40 से 60 केजी और नाइट्रोजन होता है 80 से 120 किलो। धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद खेत में नील हरित शैवाल, इसका बहुत बड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी का ट्रेंड चल रहा है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी 15 किलो प्रति हेक्टर देने से कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की बचत होती है, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन। यानी कि अगर आप ये चीज़ शैवाल जो एजोला के नाम से डालते हैं, तो शैवाल को आप डालते हो तो नाइट्रोजन की कितनी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर बचत होती है। यहाँ देखो 20 किलोग्राम यहाँ पे डालने पड़ेगा आप लोग 15 किलो नील हरित शैवाल, कितना डालोगे 15 किलो, उधर बचत कितनी हो रही है 20 किलो, यानी कि गैप होता है 5 किलो का। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 15 किलो एक हेक्टर में अपन ये जो नील हरित शैवाल है एजोलाद इसे डालते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसको डालते हैं 15 किलो, तो एक हेक्टर में 20 किलो नाइट्रोजन अपने को मिलती है, यानी कि बचत होती है। जस्ते की कमी से फसल में खीरा नामक रोग हो जाता है, ये तो हर किसी एग्जाम का किंग ऑफ क्वेश्चन है, किंग कहते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहते हैं इस प्रश्न को, जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, तो खेरा, किंग ऑफ डिजीज खेरा, यानी कि किंग कहा जाता है, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। जस्ते की कमी से फसल में खेरा रोग होता है, किसमें, धान में, धान में। जस्ते की पूर्ति के लिए 0.5% जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक रोग के नियंत्रण के लिए, खेरा रोग के नियंत्रण के लिए आपको क्या देना पड़ता है, जिंक सल्फेट का घोल। धान में खेरा रोग नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का घोल छिड़काव करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए रोपाई के यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 3 से 4 सप्ताह पूर्व 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर की दर से खेत करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब आ गया सिंचाई, मैंने पिछले वाले टॉपिक में बता रखा है किसकी जल मांग क्या है, तो गन्ने के बाद में सबसे ज़्यादा जल किसकी आवश्यकता है, 5000 लीटर एक किलो ऐसा बोला जाता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है, एक किलो राइस यानी कि एक की जो किलो राइस है ना उसके लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने, यानी कि एक किलो राइस यानी कि एक किलो चावल तैयार करने के लिए कितना पानी चाहिए, 5000 लीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा जल मांग तो किसकी होती है, गन्ने की होती है, उसके बाद राइस की होती है, और यूं कहें कि वाटर यूज एफिशिएंसी, इसको कहते हैं सिंचाई जल दक्षता, मतलब वो कितना वाटर का यूज करता है, पौधा कितना पानी यूज करता है। कुल जल आवश्यकता का 40% पौधे स्थापित होने से कल्ले फूटने की प्रक्रिया समाप्त होने तक, यानी कि सपोज करो 4 पानी 5 पानी दे रहे हैं अपन, तो 40% भाग पानी का पौधे स्थापित यानी कि वो उसकी बढ़वार के समय कल्ले फूटने की समाप्ति होने तक, यानी 50% बाली निकलने से दाना दूध भरने की समाप्ति होने तक 10% फसल के पककर तैयार होने में लगता है। फसल पकने से 2 सप्ताह पहले खेत में भरे हुए पानी को निकाल देना चाहिए, 2 सप्ताह पहले। अंतरा इंटरक्रॉपिंग, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ रखनी है कि तो इसकी है फ्लावरिंग स्टेज पर पानी होना चाहिए और पहले तीन
से 4 हफ्ते, हाँ मतलब रोपाई के जिस जो अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके कम से भी कम 4 से 5 सप्ताह तक उसमें 2 से 4 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर फिर डिपेंड करता है वेराइटी के ऊपर, पर अब उसके अंदर इतना पानी होना चाहिए। अंतरा कृषि, इनको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। घास कुल के खरपतवारों को रोकने के लिए बुआई के दो इंटरक्रॉपिंग सॉरी 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 इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है इंटरक्रॉपिंग अंतरा कृषि, यानी कि किसी भी फसल के अंदर अपन कोई भी कृषि कार्य करते हैं इंटर घास कुल के खरपतवारों को रोकथाम के लिए, तो उसे इंटरक्रॉपिंग इस रोपाई के 2 से 3 अंदर प्रेटिक फ्लोर क्या प्रेटिक फ्लोर 1250 मिली का प्रति हेक्टर बिस्पायर विकेट सोडियम 80 मिली या फिनोक्सोप्रोपी इथाइल 500 मिली 25 से 30 दिन के अंतराल पर प्रति हेक्टर छिड़काव करना चौड़ी पर। ये मतलब खरपतवार नियंत्रण है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो ये खरपतवार यहाँ दे रखे हैं ये ना तो यूज होते हैं और ना ये मार्केट में मिलते हैं, तो इनको तो भूल जाओ। ये जो इन्होंने खरपतवार के जो केमिकल बताए ना ये मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक अभी मेरे को लगता है कि बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ पे और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए बुआई की रोपाई 2-3 के अंदर पायरो जो सल्फ्यूरन 200 ग्राम या 20 से 25 दिन के अंदर क्लोरीम्यूरोन इथाइल मेट सल्फ्यूरन ये चीज़ ये हाँ ये एक तो ये 2,4-D ये मिलती है, इनका उपयोग अपन बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर करते हैं घास कुल के जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण के लिए। पादप संरक्षण, कीटों के रोकथाम में तनाछेदक व फूंजे नियंत्रण कार्बोफ्यूरिन का 3% छिड़काव करना चाहिए, 20 किलोग्राम फोरेट 10% कर्ण 15 किलो हेक्टर की दर से छिड़काव गंदी इसमें। जीवाणु अंगमारी के बारे में रोकथाम के स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जीवाणु अंगमारी के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद अंतराल में 2 बार करना चाहिए। ब्लास्ट और दब्बा रोग के लिए का प्रकोप होते 1 से 1.5 किलोग्राम मेनकोजेब 50 मिलीग्राम कार्टेजिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कटाईमंडाई इल्ड ये रही साहब उन्नत किस्मों की उपज, धान की प्रति हेक्टर उपज होती है 35 से 45 क्विंटल और असिंचित में था ये होती है अनइरिगेटेड, यानी कि असिंचित में, और 50 से 60 क्विंटल ये होती है सिंचित क्षेत्र में, और सामान्य उपज होती है इसकी 25 से 30 क्विंटल। तो ध्यान रखना 3 चीज बता रखी है एक साथ, तो कौन सी उपज पहुंच रहा है। धान की सामान्य उपज तो लिखनी है 25 से 30, असिंचित की लिखनी है 35 से 45 और सिंचित की लिखनी है 50 से 60। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्रॉप के साथ, मक्का के साथ।